नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। ट्विटर ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसको लेकर बवाल मच रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ट्विटर पर लंबे समय से लोग एडिट ट्वीट फीचर की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये फीचर नहीं आने वाला। लेकिन कंपनी एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रही है जो फेसबुक और इंस्टा के फीचर से मिलता जुलता है। अब तक ट्विटर पर आप सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं, इसके अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह स्टोरी और स्टेटस का फीचर यहाँ नहीं है। ट्विटर अब फ्लीट नाम के एक फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। इस नए फीचर के तहत आप जब ट्विटर पर कुछ पोस्ट करेंगे तो ये एक अलग टाइमलाइन में दिखेगा। इतना ही नहीं, ये 24 घंटे में खुद से गायब हो जाएगा, ठीक इसी तरह जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस और स्टोरी के साथ होता है। कई लोगों का कहना है कि ट्विटर का भी इंस्टाग्रामीकरण हो रहा है, मीम शेयर हो रही हैं, कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विश्वसनीयता से जुड़ी चिंताएं भी जताई जा रही हैं। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि ट्विटर ने क्या सोचकर इस नए फीचर को लॉन्च किया है। ट्विटर ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है, ट्विटर उन चीजों के बारे में बात करने के लिए है जिनकी आप परवाह करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, आप में से कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि आप इसलिए ट्वीट नहीं कर रही हैं क्योंकि ट्वीट पब्लिक होते हैं, परमानेंट लगते हैं और इसके पब्लिक काउंट्स होते हैं। ट्विटर के मुताबिक अब यूजर्स को दूसरे तरीके से बातचीत का फीचर दिया जा रहा है जिसमें कम प्रेशर और ज्यादा कंट्रोल होगा। ट्विटर ने इस फीचर को फ्लीट का नाम दिया है। अब ट्वीट के साथ यूजर्स फ्लीट भी कर पाएंगे। फ्लीट करने के लिए यूजर्स के लिए नया प्लस बटन ऐड किया गया है जहां पर क्लिक करके फ्लीट कर सकते हैं। फ्लीट के तहत यूजर्स 280 टेक्स्ट करेक्टर ऐड कर सकते हैं या चाहे फोटोज, जीफ और वीडियोस भी पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्विटर पर फ्लीट करेंगे वो इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह ऊपर के एक नए टैब में आ जाएगा। आपने जिन अकाउंट्स को फॉलो किया है उनके फ्लीट्स आपको ऊपर के टैब में दिखेंगे। आप किसी फ्लीट को रिट्वीट नहीं कर पाएंगे, हालांकि यहाँ इमोजी के जरिए उन फ्लीट्स को रिस्पोंड कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पर रिएक्शन देते हैं। अगर किसी का फ्लीट आपको पसंद आया तो आप वहां से सीधे रिप्लाई भी कर सकते हैं। वो मैसेज उस ट्विटर यूजर के ट्विटर डीएम में जाएगा। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन जल्द ही इसे कंपनी वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर सकती है। चलिए आपको बता दें कि आखिर क्यों इस फीचर को लेकर बवाल उठ रहा है और किस तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं। फ्लीट्स को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। सेलिब्रिटीज, नेताओं और पार्टियों के हैंडल इस पर हैं। सरकारों की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किए जाते हैं। लोग भी तमाम खबरें शेयर करते हैं। कहा जा रहा है कि अगर फ्लीट्स से इन्हें शेयर किया जाए तो इसका URL या कोड जनरेट नहीं होता है। इससे फ्लीट्स को आर्काइव नहीं किया जा सकता आगे किसी प्रूफ के लिए। आशंका है कि फेक न्यूज भी फैलाई जा सकती है और फ्लीट 24 घंटे बाद गायब हो जाएगी, जबकि इंस्टाग्राम स्टोरीज को आर्काइव किया जा सकता है। फ्लीट के स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं, उन्हें फोटोशॉप भी किया जा सकता है या बताया जा सकता है, इसीलिए फ्लीट की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार फ्लीट की सुरक्षा से जुड़े एक सवाल के जवाब में ट्विटर के ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर मोअल एडम कहते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं है कि लोग संस्थाएं, आधिकारिक या जरूरी सूचनाएं साझा ना करें। अगर लोगों को लगता है कि इससे किसी वजह से ट्विटर के नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो वो हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। हम अपने सर्वर पर हर फ्लीट की कॉपी रखते हैं ताकि 24 घंटे बाद भी उनका एनालिसिस हो सके कि फ्लीट्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इससे हमारे नियमों का उल्लंघन करने वाले फ्लीट्स पर कार्रवाई हो सकती है।